पे वेट चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, फद्दू मान रही है गति हमने। क्या करे, जिसने खाना है पेट तो भरना है मेरे भाई। मोदी जी भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थोड़ा सा देखें, और गरीब आदमी की जेब को काटा जा रहा है। 150 का लेना है वो, कह रहा भाई 50 का डाल दे, महंगा हो गया। 300-400 रुपये मुश्किल तो बच्चा, मुश्किल तो रोपीट का। ओके, सेंचुरी हमारा पेट्रोल मार चुका है। ये 200 रुपये भी कर देंगे आने जाने वालों को, तो आना जाना पड़ेगा ही। तो मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, या तो भाई इनको सस्ता कर लो, या फिर हमें रोजगार दे के इनके रेट बढ़ा लो। मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है दोस्त, क्या करें, मजबूरी है, चलानी यही है और काम में नहीं है। ऐसा काम कर देंगे देश में कि लोग जिंदा रहना ही अपना विकास समझेंगे। भाई कुछ दिन में था ये सोनार की दुकान पापा होगा या पेट्रोल पंप। वाकई में कहा जाता जुमलेबाजी कुछ ज्यादा चल रही है। बड़ी खुशी की बात है कि देश में अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ये अच्छे दिन सिर्फ पेट्रोल पंप वालों के आए हैं, क्योंकि आज भारत देश में 26 राज्यों में जो पेट्रोल का दाम है वो 100 के पार हो चुका है। इसी पर आज का हमारा स्ट्रीट व्यू है, और रोहतक में हम लोगों से बात करेंगे कि रोहतक के लोग इस पर क्या बोलते हैं। पेट्रोल का दाम जो है वो 100 रुपये कुछ पैसे हो चुका है रोहतक में। आइए फिर। October 3, 2021 और पेट्रोल का जो रेट है वो है 100 रुपये 22 पैसे, और अगर डीजल की हम बात करें तो रेट है 91 रुपये 62 पैसे। ये आज का रेट है। लोगों से बात करते हैं कि लोग इस पर क्या कह रहे हैं। पेट्रोल का जो रेट है वो 100 से ऊपर हो गया, क्या कहना है? सरकार पे गुस्सा हो या खुश हो? ये तो गुस्सा ही वाला काम है जी, ये तो गुस्सा वाला ही काम है, घुस वाला थोड़ी काम है। इसमें पहले कितने में फुल हो जाती थी? अरे 300 में फुल हो जाता था, और अब 350-360 लगता है। अच्छा, क्या काम करते हो? हम पेंट के काम करते हैं। पेंटर हो? तो फिर काम वाम, इनकम भी बढ़ी है कुछ, या बस तेल महंगाई बढ़ी है? तेल का खर्चा है जी, महंगाई है, तेल का खर्चा है। और लो जी, लो। डलवाना है, हमने टंकी फुल करवानी है। अच्छा, यूज जो है करना ही पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 100 से ऊपर। क्या कर रहे हैं, क्या करें अब? जो क्या कहना चाहोगे मोदी जी को, क्या कहना चाहोगे? क्या जो है किसी अच्छे के लिए कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, कैसे कैसे, तो वो तो वही बताएंगे हमें, तो क्या यार, इतना हम नहीं जाते, इतना नहीं सोचते। कितने में फुल होती थी पहले, फर्क पड़ा है कुछ, या भी उतने का ही डलवाते हो? या जो डलवाना है हमने फुल करवाने हैं, जैसे डलवाना मुश्किल हो चुका है सर सबसे। जहाँ पहले 5 लीटर से ऊपर डलता था, 5 लीटर भी नहीं डलता, वो देख सकते हैं आप। तो क्या मतलब, क्या काम करते हैं आप? सर मेरा कार से पीटेस का काम है। अच्छा, इनकम भी बढ़ी है या सिर्फ महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है, इनकम तो कम हो चुकी है पहले से। क्या कहना चाहोगे मोदी जी को? मोदी जी भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा देखें और कम करें, लोगों के लिए मुश्किल बढ़ रही है, ये मुश्किलें घट नहीं रही, बढ़ रही हैं बल्कि। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मैं रोहतक से ही हूँ, मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। कहना यही है भाई, निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की आमदनी इतनी बढ़ नहीं रही, उस कोरोना की वजह से लोगों के काम धंधे हो चौपट हो गए, यही है बात। तो क्या काम करते हो अंकल? मैं तो सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हो? हाँ। तो कितना फर्क पड़ रहा है इस पे, तेल महंगा होने से, या मामूली सा फर्क है? नहीं, आम दिन तो बड़ा परेशान है ना, आम दिन के तो इतने काम धंधे हैं नहीं। चलो मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ भाई, फिर भी मेरा गुजारा हो जाता है, परंतु आम गरीब मजदूर है वो तो फिर उस पर तो बहुत फर्क है ना। किसान गरीब मजदूर, किसान है उसकी बड़ी लागत है डीजल वगैरह की, आमदनी बढ़ नहीं रही, खेती बाड़ी है वो खराब हो जाती है, कभी ठीक तरह से नहीं देती, देता परमात्मा। कहना क्या भाई, मनमर्जी चल रही है सरकार की, ये 200 रुपए भी कर देंगे आने जाने वालों को, तो आना जाना पड़ेगा ही। बाकी यही कहना चाहूँगा, गरीब आदमी की जेब को काटा जा रहा है, खाली हम लोग 33 या 34 रुपये लीटर जो पेट्रोल का जो रियल प्राइस है वो होना चाहिए इंडिया के अंदर, बाकी सारा ये टैक्स है जो हम लोग पे कर रहे हैं, रोड टैक्स, पता नहीं क्या क्या टैक्स दे रहे हैं हम लोग, बस सब कुछ ये है, मजदूर और गरीब आदमी देश को चलाने वाला है, पर ऐसे में तो हम लोग कब तक चल पाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये देश की अच्छाई के लिए है कि रेट बढ़ रहा है, वो काम आ रहा है पैसा, उन लोगों को क्या कहना चाहूँ? उन लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ भाई, मैंने भी सुना था कहीं से कि ऐसा काम कर देंगे देश में कि लोग जिंदा रहना ही अपना विकास समझेंगे, और शायद उसी के पहलकदमी पर ये सब स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि मैं नहीं सोचता ये बात कि ये देश के किसी भी तरह से ये जो हित में हो सकती है ऐसी ऐसी चीज़ें।
डेली रूटीन की हैं, आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन पे सरकार को जरूर कार्रवाई और कंट्रोल करना ज़रूरी है इसके लिए। दोस्तों चांदी जरूर हो रही है लेकिन वो पेट्रोल पंप वालों की। यहाँ पर हमारे साथ सेल्समैन हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या पेट्रोल महंगा होने से फ़ायदा हो रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम देखो अभी हमें टाइम लगा करता, फिर भी एक कस्टमर आ रहा है, मजबूरी वाला आ रहा है, जो 100 का लिया करता वो 50 का डाल दे, 70। टू व्हीलर वाला ज़्यादा परेशान है। अच्छा, बड़ा गाड़ी वाला तो चलो इतना परेशान, जो टू व्हीलर का था किसी को 150 का लेना है वो कह रहा भाई 50 का डाल दे, महंगा हो गया, बहुत परेशानी है। खाली खड़े हम देखो, कोई भी नहीं, एक क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है इस पंप पे वैसे। और दिल्ली बाईपास वाला पंप हो गया, और यहाँ पर इतना हम बाथरूम के लिए नहीं जा सकते थे, इतनी भीड़ थी। अब तो भाई कहते क्या रेट है, 100 रुपये दिए हैं, 50 का डाला है, 10 की सिगरेट पीनी है, फलाना करना, वो भी नहीं, सब पेट्रोल में चला गया मेरे भाई। कस्टमर परेशान है और हम भी परेशान हैं इससे। कस्टमर आएगा तभी तो रेट बढ़ने से इतना फ़ायदा हो नहीं रहा। अब देख रेट बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, तो कस्टमर ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है, कस्टमर भीड़ लगेगी तभी तेल गाड़ी खाली होगी हमारी। क्या करें, 20 रुपये सवारी मिलती है नहीं, ऑटो इतने हो रहे हैं देश बिना के। कितने में हो जाता है, मतलब दिन का कितना तेल लगता था पहले? पहले तो ये 250-300 में काम था, जा रहा था 600-700 रुपये लग गया तेल में। पूरे दिन में कितना कमा पाते हो? 700-800 रुपये, 300-400 रुपये मुश्किल तो बच्चा, मुश्किल तो रो पीट कर, जो तड़के बैठा 6 बजे तक, शाम 8-9 बजे उतरा है जब बच्चा है। इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए मैं जब वादे इस सरकार ने किए जाने से पहले तो यही किए थे कि LPG आपकी सस्ती हो जाएगी और डेली नीड की चीज़ें हैं जैसे डीजल पेट्रोल जो है उसमें भी भारी गिरावट आएगी, ठीक है। लेकिन अभी आप हालात देख चुके हो कि सेंचुरी हमारा पेट्रोल मार चुका है, गाड़ी भी ईमानदारी से बताऊं तो ये डीजल की मैंने यही सोच के ली थी कि डीजल थोड़ा कम महंगा होता है पेट्रोल से, लेकिन अभी अगर देखूं तो मैं सोच के पछता रहा हूं कि शायद पेट्रोल के लेके CNG गाड़ी फिट में करवा लेता, CNG किट ले लेता, तो ये काफ़ी गलत हो रहा है। जैसे भी हो रहा है, बीच में जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था कि भाई हम जानबूझ करके GST स्लैब से बाहर रख रहे हैं पेट्रोल और डीजल को, इससे क्या होगा, लोगों को ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो GST में रखने में ही लोगों को फ़ायदा होगा, तो जिस तरीके से वाकई में कहा जाता है जुमलेबाजी कुछ ज़्यादा चल रही है और हकीकत ग्राउंड लेवल पे काम कुछ हो रही होगा कि या तो पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कर दो या फिर एक ऐसा रूल बना दो कि भाई जो 18+ अब तक गाड़ी चला रहे थे अब आप गाड़ी चला पाओगे सीधा 40 साल के बाद, जो लाइसेंस है लाइसेंस 40 साल वालों का कर दो। अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने हैं तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं उनको कम से कम रोज़गार तो दे दो। अगर रोज़गार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये और महंगा कर लो, फिर ये है कि जेब में अगर रोज़गार हमारे होगा तो हमें दिक्कत भी नहीं होगी डीजल पेट्रोल में भी। ना रोज़गार दे रहे हैं, महंगाई पे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। तो मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, या तो भाई इनको सस्ता कर लो या फिर हमें रोज़गार दे के इनके रेट बढ़ा लो। मुश्किल हो रहा है दोस्त, क्या करें, मजबूरी है, चलानी यही है और काम में नहीं है। कितने में फुल होता है आजकल, पहले में कितना होता था, कितना फ़र्क पड़ गया है? जब पहले 500 फुल होती थी, 700-800 रोज बन जाते थे, 300-400-200-300। अच्छा, और भी जो महंगाई है, क्योंकि जैसे ही डीजल के रेट बढ़ गए तो और भी सामान महंगा हो जाएगा, सब्जी है जो वो महंगी आने लग जाएंगी, तो कितनी मुश्किल हो रही है ज़िंदगी? भाई हर चीज़ की मुश्किल हो रही है दोस्त। पहले डिपो में तेल मिला करता था 700 का, वो भी बंद कर दिया सरकार ही, पता नहीं कैसी है, हर चीज़ में महंगाई है मेरे भाई, क्या करें, जिसने खाना है पेट तो भरना है मेरे भाई। भाई कुछ दिन में था ये सोनार की दुकान पर पाओगा, ये पेट्रोल पंप छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में। ये सरकार वैसे तो GST हर हर जगह लगा रही है और यहाँ पे लगाती नहीं, यहाँ पे वैट चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, फद्दू मान रही है गति हमने। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, सबके अपने अलग अलग मत रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही हमारा प्रोग्राम स्ट्रीट व्यू आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट जरूर करें। आप देख रहे थे हरिभूमि TV, मेरा नाम है सनी कौशिक, मेरे साथ है नीरज।